हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शनि महादशा और शनि अंतरदशा के बारे में। शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा में किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर हमारा शनि का समय चल रहा है तो क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल के अंदर हम शनि भगवान की जो दशा होती है, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का एंटर देखिएगा, लास्ट में रेमेडीज भी बताएंगे कि शनि की महादशा या अंतरदशा अगर आपके ऊपर चल रही है तो किस तरह की रेमेडीज आपको करनी चाहिए, क्या क्या रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ में जो भी शनि की दशा की वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें अगर आप पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो किस तरह से ला सकते हैं, तो इसी के ऊपर वीडियो रहने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, शनि की दशा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, शनि भगवान की जो दशा होती है इंसान की जिंदगी में, बहुत ही लंबे समय के लिए शनि भगवान की दशा आती है। और जो शनि भगवान की दशा है, देखिए, देव गुरु बृहस्पति की दशा के बाद सीधे शनि भगवान की दशा जो है इंसान की जिंदगी में आती है। लगभग 19 साल की ये जो शनि भगवान की दशा होती है, अगर हम महादशा की बात करें तो 19 साल की शनि भगवान की दशा हमारी रहती है। और इस दशा के अंदर फिर काफी सारे अंतर भी आते हैं, जैसे शनि की दशा के अंदर फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के अंतर, जैसे शनि की दशा के अंदर शनि का अंतर, मंगल का अंतर, गुरु का अंतर, हमारे पास में सूर्य का अंतर, चंद्रमा का अंतर, बहुत सारे अंतर भी हमारे पास में शनि की दशा के अंदर आते हैं। लेकिन देखिए, शनि की दशा शुरू होते ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बहुत ही बड़ा चेंज हमें लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, बृहस्पति की दशा के बाद में सीधे शनि की दशा आ रही है, यानी कि जो एक बहुत बड़ा प्लैनेट होता है बृहस्पति, उसकी दशा के बाद में जब शनि की दशा एकदम से हमारी आती है, तो जिंदगी के अंदर जब शनि की दशा शुरू होती है तो शुरू होने से लगभग 6 महीना पहले से ही हमें ये अंदेशा होना शुरू हो जाता है कि लाइफ के अंदर कुछ चेंज होने लग गए हैं। और ऐसा मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन में भी अपने देखा है कि किसी की जस्ट जुपिटर राहु की लास्ट दशा चल रही है, उसके बाद शुरू होने वाली शनि की दशा, तो 3 या 4 महीने पहले से ही उनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई चीजें रुकनी शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ कामों के अंदर कुछ ना कुछ एक शनि भगवान का जो लेजीनेस है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्टॉप है वो लगना शुरू हो जाता है। और ऐसा काफी जगह मैंने देखा भी है इस बात को। तो ये देखिए, हमें देखने को मिलता है कि जब शनि की भगवान की दशा आती है तो जो स्टार्टिंग के 1-1.5-2 साल का जो पीरियड होता है, जब शनि की महादशा के अंदर शनि का ही अंतर होता है, तो वो समय थोड़ा सा हमारे लिए बहुत भारी हम कह सकते हैं, या फिर अगर भारी नहीं भी बोला जाएगा तो काफी ज्यादा चेंजिंग या फिर काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव वो हमारे लिए होता है। अब देखिए, बृहस्पति की दशा अगर हमारी चल रही थी तो बृहस्पति की दशा के अंदर, देखिए, बृहस्पति बहुत लाइट प्लेनेट होता है और बहुत ही ज्यादा उसकी दशा के अंदर, बृहस्पति की दशा के अंदर हमारी लाइफ के अंदर एक लाइटनेस रहती है, एक एंथुसियाज्म रहता है, विजडम रहती है, नॉलेज रहता है। जुपिटर की दशा के अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। और बृहस्पति देखिए नेचुरली खुशी का कारक भी माना जाता है, तो इंसान के जीवन में खुशी होती है। अब वहां से निकल के सीधे हम शनि की दशा में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही भारी प्लेनेट होते हैं, बहुत भारी प्लेनेट हैं, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां जुपिटर एक तरफ लाइट को का सोर्स माना जाता है, ज्ञान को लाइट का सोर्स माना जाता है, सीधे सैटर्न जो है कहीं ना कहीं वो डार्कनेस का सोर्स माना जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में डार्कनेस हमारे आनी शुरू हो जाती है, भारी बने का हमारा आना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से देखिए, जुपिटर की दशा में आपको जहाँ आपके अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर आ रही थी, काफी सारे आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, प्रमोशंस हो रहे थे, मंचा ट्रांसफर हो रहा था, मैरिज के लिए अच्छा था, शनि की दशा आते ही चीजों के अंदर छोटा सा विराम लगना ही शुरू हो जाता है। मतलब आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ है मेरी लाइफ के अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो शनि की दशा शुरू होते ही काफी ज्यादा चेंजेस हमें लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। हर लेवल के अंदर देखिए शनि की दशा के अंदर चेंजेस मिलते हैं, लेकिन शुरुआत का जो 2-2.5 साल का जो पीरियड होता है, जब शनि की महादशा के अंदर शनि का ही अंतर होता है, तो उस समय थोड़ा सा चीजें काफी ज्यादा रुक सकती हैं, काफी ज्यादा चीजों में हमें परेशानी देखने को मिलती है। शनि देखिए बहुत ठंडे प्लेनेट होते हैं और काफी ज्यादा डेंस प्लेनेट होते हैं, तो इनकी जो डेंसिटी है या भारीपन है वो हमारी बॉडी के अंदर शनि की दशा शुरू होते ही आना शुरू हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले शनि वीक करेंगे हमारा, क्योंकि एक्सट्रीमली ठंडे प्लेनेट है तो आपका डाइजेशन वीक होना शुरू हो जाता है, आपको ग्लैस होनी शुरू हो जाएगी, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, पेट की समस्या आपको परेशान करनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही गैस बननी शुरू हुई, पेट की समस्या आपको परेशान करने शुरू करी, वैसे ही आपको जो स्ट्रेस का फैक्टर है लाइफ के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी का फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओवर थिंकिंग लाइफ के अंदर हमारे आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के साथ में हमें समय बिताना अच्छा लगता था, उन लोगों से हम दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक जो एटीट्यूड है, जो गुरु की दशा में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा था, अभी थोड़ा सा हमारा जो एटीट्यूड है उसके अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी हमारी जुड़ जाती है। शनि का जो नेगेटिविटी है
वो कहीं ना कहीं हमारी आ जाती है। हम जो चीजों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे थे, कह रहे थे कि कोई मुश्किल काम है तो हमें लग रहा था कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं इस काम को कर लेंगे। शनि की दशा आते ही यार ये काम तो अब नहीं होने वाला है, अब ये काम थोड़ा मुश्किल है, मतलब एक एटीट्यूड के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं शनि की दशा के अंदर नेगेटिव थिंकिंग काफी ज्यादा हमारी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स बार बार हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो शनि की दशा का जो सबसे पहला अगर मैं लक्षण आपको बताऊं, जो आपको लगेगा कि थोड़े से मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, मन के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जो आपका एक व्यवहार है उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कड़वापन आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और आप खुद अगर देखेंगे कि 2 या 3 साल पहले आपका जो आपका रिलेशनशिप था या लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका था, अभी वो पूरी तरह से या धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। आप खुद उस बात को महसूस करेंगे कि आप उतने अच्छे से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, उतने ज्यादा फ्रेंडली आपका नेचर नहीं बचा है, उतने ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व आप नहीं हो रहे हैं, शनि की दशा मतलब शुरू हो जाएगी तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। लाइफ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, देखिए शनि की दशा के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो होती है इंसान को कम मिलती हैं, और अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती भी हैं तो उसे क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर जॉब के अंदर हैं और आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा आपने रिज्यूमे अपलोड कर दिए हो, बट आपको जो नई नौकरी है वो मिल ही नहीं पा रही है, आपको रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। वहीं जुपिटर की दशा में रिज्यूमे अपलोड कर रहे थे, तुरंत के तुरंत इंटरव्यू की कॉल आ रही थी, तुरंत के तुरंत सिलेक्शन हो जा रहा था। शनि की दशा में बिल्कुल विपरीत होना शुरू हो जाएगा आपके साथ में, आप कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन आपके एफर्ट जो है वो स्वीट सक्सेस के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। और अगर आपने सपोज करी बहुत सारे रिज्यूमे अपलोड कर भी दिए, 1-2 जगह से कॉल आ भी गया, तो वो इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज में कमी और अपॉर्चुनिटीज को क्रैक नहीं कर पाना भी शनि की दशा के अंदर हम लोग देखते हैं। उसके बाद में देखिए शनि की दशा में इंसान जो होता है, देखिए शनि भगवान की जब दशा आती है हमारी लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं शनि को कर्म फलदाता माना जाता है। तो साढ़े सती के तरह ये भी जो हमारी दशा आती है, हमारे जो भी पेंडिंग कर्माज होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये दशा हमें काफी ज्यादा इनपुट्स देती है हमारी लाइफ के अंदर। वो इनपुट्स अच्छे भी हो सकते हैं, वो इनपुट थोड़े से डिस्टर्बिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी 10-12 साल, तो शनि की दशा ही अचानक से आपकी नौकरी छूट गई, और अचानक से ही आपने कोई और काम करना शुरू कर दिया। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, शनि की दशा जैसे शुरू हुई बिजनेस में ब्रेक लगा और आपने जॉब की तरफ जाना शुरू कर दिया या नया बिजनेस शुरू कर दिया, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लिया आपने। तो इनिशियली आपको बहुत खराब लगेगा ये सब चीजें जब आपके साथ में होंगी, जॉब नहीं, आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, या कहीं आप जॉब में स्विच करना चाहते हैं स्विच नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ एकदम से। देखिए शनि की दशा में लोगों को बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं कि बिल्कुल जॉब छूट के बिजनेस शुरू कर लिया, बिजनेस छोड़ के जॉब शुरू कर ली। तो कहीं ना कहीं शनि मेहनत करना हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। अगर हम जुपिटर की दशा में आराम कर रहे होते हैं तो शनि हमें आकर बता देते हैं कि बेटा आराम करने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, अब है मेहनत करने का समय, अब आपको 19 साल की जो पीरियड है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो शनि की दशा में फिर जो लोग होते हैं वो उन्हें इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि शनि इंसान से मेहनत कराते हैं, और मेहनत करना तो किसी को पसंद होता नहीं है, और मेहनत को हम समझते हैं कि स्ट्रगल है हमारी लाइफ के अंदर। अब जिस व्यक्ति ने जो शनि की दशा के अंदर मेहनत कर खुशी खुशी करेगा, जो उसे स्ट्रगल नहीं समझेगा, उस मेहनत को बोझ नहीं समझेगा अपने ऊपर, उसको शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी उसके लिए, वो एंजॉय करेगा शनि की दशा को। क्योंकि जुपिटर की दशा में जहां आपको कम काम करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, शनि की दशा में मेहनत ज्यादा होगी मुनाफा कम होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें कि जब शनि की दशा आती है, वो हमें कहते हैं कि वो छानी जब आग तो तब कर सोना तू बन गया, तो हमें आग में तपाया जाता है शनि की दशा में ताकि आगे जाकर हम सोना बन सकें, आगे जाकर हम जो है वो एक बहुत ही अच्छे डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो सके। इनिशियली में हमें लगेगा कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप बिलीव करिएगा इस बात को कि जब भी शनि की दशा जो है खत्म होगी इंसान की, जब इंसान की दशा ऊपर हो जाएगी, तो उसको बहुत ही ज्यादा निखार देगी, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बना देगी अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में जो शनि की दशा होगी उसे जीवन जीने के जो मायने हैं वो सिखा देगी, ताकि जो इंसान होगा वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा परेशानियां शनि की दशा में देखने को मिलेंगी,
इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स उसे देखने को मिलेंगी कि उसको तो बाकी सारी चीजें फिर बहुत ही ज्यादा बौनी शुरू हो जाएंगी लगनी, बहुत ही ज्यादा वीक लगनी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा कि लाओ मुझे चैलेंजेस लाओ, सारे चैलेंजेस का मैं सामना कर लूंगा, क्योंकि शनि की दशा में वो चैलेंजेस ही देखने को मिलते हैं हमें शनि की दशा के अंदर। तो आई होप आपको, अगर किसी की शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा जो भी चल रही हो, तो जरूर देखिएगा कि आपको भले ही अभी कष्ट हो रहा होगा, अभी परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब ये दशा खत्म होगी तो आप इस दशा को धन्यवाद देंगे, क्योंकि इस दशा ने आपको एक मजबूत इंसान बनाया, जो अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, जो अपनी जिंदगी के अंदर कड़े फैसले लेता है, जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत करता है। तो ये देखिए शनि की दशा का जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो हमें आगे लेकर जाती है। आगे अगर हम बात करें देखिए शनि की दशा की, तो देखिए शनि की दशा में वायु रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपको गठिया हो सकती है, या फिर अगर ओल्ड एज है तो गठिया, या फिर अर्थराइटिस परेशान कर सकती है। जैसे हमने बात किया कि गैस के रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर पेट में गोला बन रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, या फिर कई जगह ना बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए शनि वायु के कारक होते हैं। ठंडी वायु बॉडी के अंदर आएगी तो सर्कुलेशन वीक होता है, सर्कुलेशन जैसे ही वीक होगा तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं जब शनि की दशा आपकी चलेगी, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा हो। और ये डिपेंड करेगा कि शनि कौन से हाउस के अंदर बैठे हैं आपके चार्ट के अंदर, उस हाउस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट आपकी बॉडी का होगा उस जगह पे दर्द आपको हो सकता है। जैसे शनि अगर 10वें 11वें या 12वें घर में होंगे तो पैरों में आपको दर्द महसूस हो सकता है, 3रे घर में होंगे, 2रे घर में होंगे तो फिर जो चेहरा है आपका, आंखों में दर्द या फिर मुंह में दर्द इस तरह का हो सकता है, 1st हाउस में ही है तो सर में दर्द आपको हो सकता है। ये सारी चीजें शनि की दशा में हमें देखने को मिलती हैं। देखिए शनि की दशा में इंसान के अंदर थोड़ी सी, देखिए मन के अंदर भी शनि जो होते हैं कड़वाहट लेकर थोड़ी सी आते हैं। इंसान का जो मन जिन छोटी छोटी चीजों में प्रसन्न हो जाता था, अब वो प्रसन्नता आपको शनि की दशा के अंदर थोड़ी सी कम मिलती है। यानी कि जैसा कहते हैं कि थोड़ी मैच्योरिटी शनि की दशा में हमारे आ जाती है। पहले हम दोस्तों के साथ जुपिटर की दशा में घूमने चले जाते थे, बाहर का खाना भी खा लेते थे, पिक्चर देखने चले गए, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, तो ये सारी एक थोड़ा सा लाइवली हमारी लाइफस्टाइल रहती थी जब जुपिटर की दशा हमारी चलती है, या कोई भी बेनिफिट प्लेनेट की दशा हमारी चलती है, तो हम जिंदगी को बहुत ही आसान ढंग से जीते हैं कि चलो ठीक है यार, रात में आइसक्रीम खा ली तो क्या हो गया, थोड़े समोसे खा लिए तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा कूल रहते हैं हम, थोड़ा सा लाइफ को अपनी बहुत ही ज्यादा हम काफी ईजी मैनर के अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन शनि आते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के प्लेनेट है शनि। देखो अपनी जो सूर्य की परिक्रमा है 30 साल के अंदर करते हैं, तो देखिए मैच्योरिटी कूट कूट के शरीर के अंदर भरी हुई है, तो आपके अंदर भी फिर मैच्योरिटी आ जाती है। जब दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, अब आपको लगता है कि यार ये काम से बचना चाहिए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम में समय लगाना चाहिए, कि दोस्तों के साथ बाहर जाने के बदले में अब आप काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, या फिर आपका जो परिवार में लोगों के साथ में जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। पहले आप हंसी मजाक करते थे लोगों के साथ में, प्यार मोहब्बत से बातें करते थे, थोड़े इमोशनल भी हो जाते थे उनके साथ में, लेकिन शनि ड्राइनेस के कारक है। महादशा अंतरदशा में आपके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, मतलब आपके इमोशन थोड़े से सूख जाएंगे, और आप हो सकता है अपने परिवार वालों के साथ में उतने अच्छे से समय व्यतीत ना कर पाए, अपने जो रिश्ते हैं रिश्तों को उतने मोहब्बत के साथ में, उतने प्यार के साथ में आप शायद ना देख पाए शनि की दशा के अंदर, क्योंकि शनि बहुत ही ज्यादा ड्राई प्लेनेट है और वो ड्राइनेस आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लाइफ के अंदर बहुत मैच्योरिटी आ जाती है आपके, आपके सामने अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको लगेगा कि आप उसको आ जाकर आपने मन की आपने उसे रोक दिया, टोक दिया। आपके सामने बच्चे सिगरेट पी रहे हैं 17-18 साल के, आप उनको जाकर टोक दिया आपने कि भाई सिगरेट मत पियो, या कुछ भी आपके सामने कोई पर्सन है उसने केला खा के छिलका बाहर फेंक दिया, आपने उसे टोक दिया कि छिलका डस्टबिन के अंदर डालो, मतलब मैच्योरिटी वाला काम आ जाएगा। जुपिटर की दशा या मरकरी की जो बेनिफिट की दशा होती है, आप कुछ चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन शनि की दशा में इग्नोरेंस इंसान के अंदर नहीं होता, वो हर एक चीज को जो मीन में एक निकालने वाला होता है, एक स्ट्रिक्टनेस शनि की दशा में आ जाती है। अब आप हर किसी को अगर टोकेंगे, अपने घर में कोई व्यक्ति है, अगर आप अपनी मदर को टोकेंगे कि बार बार मोबाइल मत चलाओ, अपने जो सिस्टर है अपने सिस्टर को आप टोकेंगे कि तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, तुम काम नहीं करती हो, या अपना जो आपका भाई है आप अपने भाई को बोलेंगे कि इतनी रात में बाहर मत जाया करो, जल्दी घर आ जाया करो, तो परिवार में लोग आपसे बचना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये तो हर बात में टोकता है, इससे थोड़ा दूर रहो। तो यही शनि की दशा की क्वालिटी है कि लोग आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जो होंगे, देखो कहते हैं ना, झेल नहीं पाएंगे लोग आपको, आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप इतने ज्यादा आप जो है मीन में गलतियां लोगों के निकालने शुरू कर देंगे, क्योंकि वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है।
तो इसकी वजह से देखो शनि की महादशा अंतरदशा में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए हम सबको कि हमें कोई भी जो कार्य है उसमें थोड़ा सा एक लाइवलीनेस लेकर आए। चंद्रमा को जरूर मजबूत करें, देखिए शनि की दशा में मोती पहन सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, सफेद चीजों को खा सकते हैं, सफेद कपड़े पहन सकते हैं ताकि चंद्रमा मजबूत रहे, क्योंकि शनि सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर असर करते हैं और चंद्रमा को सुखाने का काम शनि शुरू कर देते हैं। इमोशंस ड्राई अप हो जाते हैं, इंसान का मन नहीं करता कि कुछ म्यूजिक की तरफ जाए, एंटरटेनमेंट की तरफ जाए, इन सब चीजों में इंसान का मन ही नहीं करता करने का। तो ये सब चीजों को थोड़ा अपनी लाइफ से जाने ना दे, दोस्तों के साथ मिले, थोड़ा टाइम स्पेंड करें दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम ओवरऑल देखें हेल्थ की बात करें तो शनि की दशा में हेल्थ भी इंसान की देखिए थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती ही है, और शनि की दशा में जैसे हमने एयरबॉर्न डिजीज की बात करी तो एयरबॉर्न डिजीज भी होती है इंसान को। और देखिए जो शनि होता है वो हमारे कहीं ना कहीं जो क्रॉनिक डिजीजेस है तो क्रॉनिक डिजीजेस का कारक होता है। तो देखिए शनि की दशा में बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि शनि वायु के प्लेनेट है, वायु बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हो सकता है इंसान को, डायबिटीज परेशान कर सकती है आपको शनि की दशा के अंदर। अगर आप देखिए कोई भी इस तरह का सूर्य का अंतर आ जाए शनि की दशा के अंदर तो हार्ट से रिलेटेड ट्रबल्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल जो बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा क्रॉनिक डिजीज की तरफ भी लेकर जा सकता है। और शनि की दशा के अंदर देखिए शनि का कनेक्शन अगर राहु के साथ हो जाए तो फिर गठिया बहुत ज्यादा इंसान को परेशान करती है, दर्द बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। शनि चंद्रमा के साथ राहु मिल जाए तो फिर ये थोड़ा सा और जो स्ट्रिक्ट डिजीजेज है उनका योग बनाता है, और हमारे ऑपरेशन भी शनि की दशा में देखिए हो सकते हैं, क्रॉनिक डिजीज का शनि कारक होता है तो कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज की वजह से हमारे ऑपरेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शनि की दशा में हमारे ऑपरेशन भी हो सकते हैं। अब देखिए शनि की दशा जो होती है सबसे ज्यादा हमारे करियर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है शनि की दशा के अंदर वो करियर के लिए ही हमारा होता है। हमारा देखिए अचानक से ही आप गुरु की दशा में आप इंजॉय कर रहे थे लाइफ को और मजे कर रहे थे लाइफ के अंदर, थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे, शनि की दशा आते ही पूरा का पूरा फोकस हाय मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी जॉब कैसी रहेगी, मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, मेरा वेल्थ कैसी रहेगी, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। यानी कि देखिए शनि जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। जुपिटर जो थे हमारे, जब जुपिटर की दशा चल रही थी या और कोई मरकरी या वीनस की दशा थी तो एक लाइटनेस हमारे अंदर रहती है, ठीक है अभी पैसा नहीं कमाए आगे कमा लेंगे, अभी कोई काम अभी ट्रिप पे नहीं जा पाए आगे चले जाएंगे, कोई भी काम अगर पेंडिंग था जॉब चेंज करनी थी अभी नहीं कर पाए तो आगे कर लेंगे। शनि की दशा के अंदर इंसान को आती है टेंशन, इंसान सोचता है कि अगर अभी करियर के लिए काम नहीं किया तो आगे क्या होगा मेरा, मतलब एक डर शनि की दशा में शुरू हो जाता है कि मेरा करियर अच्छा नहीं है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या मैं ये बिजनेस छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करूं, क्या मैं इस जॉब को छोड़ के कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करूं, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, मेरा फाइनेंस सही नहीं हो रहा। तो ये सारे ख्याल शनि की दशा में हमारे आते हैं और हमारा फोकस हमारे परिवार से हटकर, रिलेशनशिप से हटकर, मौज मस्ती से हटकर केवल और केवल करियर की तरफ चला जाता है, क्योंकि शनि तो कर्म फल दाता है, कर्म कराएंगे, जिस भी घर में बैठेंगे उस घर से रिलेटेड आपसे कर्म कराएंगे। तो जो भी कर्म है शनि की दशा के अंदर इंसान का जो पूरा का पूरा एक जो बिहेवियर है, जो इंसान का मन है वो पूरा करियर की तरफ जाता है, और करियर में राइज करने के लिए इंसान बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। शनि की दशा के अंदर अगर इंसान का शनि का जो हाउस है वो भी सपोर्ट करता है, शनि 3-6-11 के अंदर बहुत काम कराएंगे तो करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, शनि एग्जॉल्टेड है चार्ट के अंदर तो भी बहुत ज्यादा आप मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो डिपेंड करेगा कि शनि की पोजीशन क्या है, अगर अच्छी पोजीशन में शनि बैठे हैं तो बहुत अच्छे से शनि की दशा के अंदर करियर में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और शनि की दशा का एक मूल मंत्र समझ लीजिए, अगर आप मेहनती इंसान हैं, हार्ड वर्किंग इंसान हैं तो शनि की दशा के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देखने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हमेशा देखिए वेल्थ जो होती है, वेल्थ के लिए भी शनि की दशा के अंदर इंसान का जो मन होता है काफी ज्यादा सोचता है कि यार मेरी जो वेल्थ है किस तरह से मैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करूं, जो मेरी वेल्थ है किस तरह से मैं वेल्थ को अपनी बढ़ाऊं, चाहे मैं अपनी जॉब को प्रमोशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, या बिजनेस में कोई नया वेंचर ऐड करूं तो अच्छा रहेगा, या फिर जो भी नया बिजनेस करूं, नई जॉब करूं, तो ये सारी चीजों के थ्रू आपका मन जो है वो काफी ज्यादा जॉब के अंदर फाइनेंस के अंदर रहता है। और शनि की दशा देखो थोड़ा इंसान को कंजूस भी बनाती है, क्योंकि शनि जो होते हैं इतने प्रैक्टिकल प्लैनेट है कि वो आपको कहते हैं देखो देख के खर्चा करना, बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर खर्च मत करना, फिजूल खर्ची से बचना।
तो शनि की दशा के अंदर आप भले ही कितने बड़े लखपति हो, कितने भी करोड़पति हो, लेकिन 1000 रुपए भी आप जो है वो बिना फालतू के खर्च करने से बचेंगे, मतलब फिजूल खर्ची करने से आप बिल्कुल बचेंगे। और अगर आपसे कोई 100 रुपए भी मांग ले बिना किसी काम के, तो आपका देने का मन नहीं करेगा, क्योंकि शनि कहता है बचाओ। देवगुरु बृहस्पति है, वीनस है, वो कह रहे खर्च करो, जो भी पैसा है आप खर्च करो, खर्च करोगे तो और आएगा। लेकिन शनि क्या कहते हैं, पैसा खर्च मत करना, यही पैसा तुम्हें मुश्किल वक्त के अंदर काम आएगा। तो शनि की दशा के अंदर बहुत ज्यादा इंसान खर्चा कभी नहीं करता, पैसे को जोड़ के रखता है इंसान शनि की दशा के अंदर, क्योंकि शनि की जो दशा होती है, इंसान जो होता है पैसे को जोड़ेगा तब, ताकि आगे जाके उससे फायदा देखने को मिले। शनि की दशा में अगर हम बात करें कि जो मैरिज लाइफ होती है, तो मैरिज लाइफ के लिए शनि की दशा जो होती है ये भी काफी थोड़ी चैलेंजिंग हमारी दशा होती है, क्योंकि अगर आप देखिए पार्टनर के साथ में जो आपका बिहेवियर है वो पहले जितना स्वीटनेस नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपकी शनि की दशा शुरू हो गई है। अब सपोज करें पार्टनर की भी कोई मंगल राहु शनि की दशा है, तो फिर टकराव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखिए शनि तमस को रिप्रेजेंट करता है, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। आपके माइंड के अंदर, आपके थॉट्स के अंदर एक डार्कनेस, एक अहंकार, थोड़ा सा एक अंधकार आपके अंदर आ जाता है। तो पार्टनर की कभी देखिए पार्टनर की हमेशा गलतियां निकालेंगे, पार्टनर की किसी बात पर तारीफ नहीं करेंगे, पार्टनर के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, पार्टनर कोई आपसे कुछ बात करना चाहता है बट आप पार्टनर से बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, इस तरह की जो भी चीजें। देखिए पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग आपकी शनि की दशा के अंदर उतनी अच्छी नहीं रहती है, और जब बॉन्डिंग शनि की दशा में अच्छी नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टनर जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे पार्टनर के साथ में। पार्टनर आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं लेकिन आप पार्टनर को प्रैक्टिकलिटी गिना रहे हैं। पार्टनर आपसे कह रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, आप कह रहे हो पैसे बचा लेते हैं आगे काम आएंगे। तो थोड़ा सा पार्टनर को भी अगर आप स्पेस देंगे तो शनि की दशा जो होगी आपको अच्छे रिजल्ट देगी, बट पार्टनर को स्पेस देना बहुत जरूरी है। पार्टनर की बात मानिए, पार्टनर की बात जरूर सुनिएगा, महादशा अंतरदशा शनि की जो भी चल रही हो, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है, भले ही वो रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, दोनों के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिले, दोनों के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि शनि की दशा के अंदर लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है अपने रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए, मैरिज को कैरी करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट शनि की दशा का देखने को वहां पर मिलता है। तो देखिए ये हमने काफी ज्यादा चीजों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर बात करी कि शनि की दशा के ऊपर क्या क्या चीजें हमारी लाइफ के अंदर इफेक्ट हमें कर सकती हैं। अब अगर हम देखिए हाउस वाइज थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो कौन कौन से हाउसेस के अंदर शनि की दशा हमारे लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी रहेगी। अच्छी तो देखिए सबके लिए हो सकती है, कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, बट अगर हम डेफिनेटली कुछ हाउसेस की बात करें तो देखिए शनि 7th हाउस के अंदर है, तो शनि की दशा अच्छी मान सकते हैं, महादशा अंतरदशा, क्योंकि हाउस वाइज एग्जॉल्टेड होते हैं शनि वहां पर। 7th हाउस में शनि है तो दशा आप मान के चलिए अच्छी जाएगी। 11th हाउस में शनि है क्योंकि 11th हाउस के नेचुरल शनि कारक होते हैं, तो शनि अगर 11th हाउस में तो भी शनि की दशा आप मान के चलिए कि आपकी अच्छी रहेगी, अबव एवरेज रहेगी, गुड रिजल्ट आपको देकर जाएगी। शनि आपके 10th हाउस के अंदर बैठे हैं तो 10th हाउस के भी नेचुरल कारक शनि होते हैं, 10th हाउस में भी शनि है तो भी आपको उसके बेनिफिट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए अब कुछ अगर राशियों की बात करें तो देखिए शनि अगर हमारे तुला के अंदर है, वर्गो के अंदर है, तो इनके अंदर शनि की दशा अच्छी मानी जाती है। वर्गो मित्र का ग्रह है और तुला के अंदर तो शनि एग्जॉल्टेड होते हैं, यहाँ पर शनि की दशा हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि अगर एक्वेरियस के अंदर है, कुंभ के अंदर है, तो भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर शनि हमारे कैप्रिकॉर्न के अंदर है तो भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो एनर्जी सेंटर है जहां पर शनि हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इनके अंदर अगर शनि आपको मिल गए, किसी भी हाउस के अंदर अगर बैठे हों, शनि लीब्रा के अंदर है, वर्गो के अंदर है, या फिर हमारे कैप्रिकॉर्न के अंदर है, एक्वेरियस के अंदर है, किसी भी हाउस में बैठे हों, शनि की दशा आएगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर देगी। या फिर अगर हाउस वाइज बात करें, 7th हाउस है, 11th हाउस है, 6th हाउस है, 10th हाउस है, यहाँ पर शनि बैठे हों, कोई सी भी राशि हो, शनि की दशा के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आपको अबव एवरेज अच्छे रिजल्ट शनि जरूर देंगे। कौन कौन से हाउसेज या राशि में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो एरीज के अंदर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते क्योंकि शनि यहाँ पर डेबिलिटेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर शनि अपने उतने अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते। या फिर शनि अगर 1st हाउस के अंदर बैठे तो भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि इंसानी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा स्कैटर कर देते हैं। 1st हाउस तो देखिए मंगल और सूर्य की गर्मी वहां पर रहती है, अब वहां पर शनि आ जाएंगे तो सूर्य और मंगल की गर्मी को कमजोर कर देंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर इंसान की काफी इफेक्ट करते हैं एरीज के अंदर या फिर 1st हाउस के अंदर होते हैं शनि। तो 5th हाउस के अंदर भी देखिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते, क्योंकि 5th हाउस नेचुरली सूर्य का हाउस होता है, तो वहां पर भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट हमें शनि के देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सूर्य की बहुत गर्म एनर्जी है, शनि बहुत ठंडे प्लैनेट है, तो वहां पर भी एक मिसमैच हमें शनि का देखने को मिलता है। तो ये जो है
इन हाउसेज में या फिर इन राशि के अंदर शनि के रिजल्ट हमें उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हमने ये भी बात करी, आप अपने चार्ट में जरूर चेक करिएगा कि शनि कौन से हाउस या कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह की आपकी दशा चल रही है, उसका फीडबैक भी जरूर हमें दीजिएगा ताकि और अच्छे से हम उसको एनालाइज कर पाए। उसके बाद में देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज की बात करते हैं कि शनि की दशा के अंदर क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। तो देखिए, शनि की दशा जो होती है इंसान की बॉडी को ठंडा करती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं सर्कुलेशन को पुअर करती है। तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी है शनि की दशा के अंदर, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, आप रोज एक्सरसाइज करिए, रोज जिम जाइए, रोज बॉडी से पसीना निकलना कंपलसरी है। मैं रिपीट करता हूँ, रोज बॉडी से पसीना निकलना कंपलसरी है, क्योंकि सोचिए इतनी नेगेटिविटी शनि भर रहे हैं कि आप पसीने के साथ में शनि की सारी नेगेटिविटी, जो भी डार्कनेस है, नेगेटिव थॉट है, सब बाहर चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये, शनि देखिए अंधकार के प्लेनेट है, अंधकार का कलर ब्लैक होता है, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करिए, ब्लैक कलर बिल्कुल भी मत पहनिए शनि की दशा के अंदर। आप जितना ब्लैक कलर पहनेंगे आप और नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, ब्लैक कलर बिल्कुल मत पहनिए। शनि की दशा के अंदर देखिए सबसे अच्छी रेमेडी और ये होती है कि आप मेहनत करिए, मेहनत करना शनि की दशा की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जितना आप काम करेंगे, आप अगर 8 घंटा काम करें तो 12 घंटा काम करिए, 10 घंटा काम करें तो 13-14 घंटा काम करिए, जितना भी काम करें तो उसे थोड़ा बढ़ाकर काम करिए, शनि की दशा के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े, तो आपको अच्छे रिजल्ट इसके भी फिर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, शनि भगवान के मंदिर नियमित जाइए हर शनिवार के दिन में। शनिवार के दिन में शनि भगवान के मंदिर जाना, सरसों के तेल का दिया जलाना, शनि भगवान के मंदिर के पास में देखिए पीपल का पेड़ भी होता है, पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है शनि की दशा के अंदर करने का। शनि की दशा के अंदर देखिए शनि के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताता हूँ, काल भैरव भगवान की उपासना करना शुरू करिए। हफ्ते में एक ना एक दिन काल भैरव भगवान के मंदिर जरूर जाइए, काल भैरव भगवान के मंदिर जाकर काल भैरव अष्टकम का पाठ करिए। आप अगर ऐसा करते हैं, देखिए गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं 100% रिजल्ट हैं। आप 4 या 5 बार भी काल भैरव भगवान के मंदिर जाएंगे तो नेगेटिविटी, उससे शनि की सारी नेगेटिविटी काल भैरव खत्म कर देते हैं और आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। अगर आप काल भैरव भगवान के मंदिर जाना शुरू करते हैं, काल भैरव की उपासना करना शुरू करते हैं, जरूर 3-4 हफ्ते करिएगा, रेगुलर कंटिन्यू करिए, लेकिन कुछ गुड न्यूज 3 या 4 हफ्ते में आपको जरूर देखने को मिलेगी। काल भैरव भगवान की प्रसन्नता बहुत ज्यादा आपको काफी ज्यादा लाभ देगी। अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए शनि की दशा की बहुत अच्छी रेमेडी है कि देखिए शनि जो होते हैं कौवा, उनका जो वाहन है माना जाता है, तो कौओं की सेवा करिए, जितने ज्यादा कौओं को कुछ खिला सकते हैं, दाना पानी कौओं को डालना, पानी पिलाना बहुत अच्छा रहता है शनि की दशा के अंदर। शनि की दशा के अंदर आप शनि भगवान की चालीसा पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं मंगलवार शनिवार के दिन में। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप शनि सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने से शनि भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट शनि की दशा के अंदर देखने को मिलते हैं। शनि की दशा के अंदर देखिए गर्म चीजों को कंज्यूम करिए, जैसे जिससे आपकी फायर एलिमेंट बढ़े, क्योंकि शनि जो है एयर एलिमेंट के प्लेनेट है, ठंडे प्लेनेट है, आपकी अग्नि को वीक कर देते हैं। तो थोड़ा घी का कंजम्पशन अपनी डाइट के अंदर बढ़ाइए, 1-2 चम्मच टेबल स्पून घी जरूर डाइट के अंदर रखिए, वो आपकी बॉडी से वायु दोष को खत्म करेगा, वायु रोग को खत्म करेगा। बॉडी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी शनि की दशा की वजह से खत्म हो गई, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी वापस शनि की जो दशा है उसके अंदर अच्छी हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ही ज्यादा लाभ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए शनि की दशा के अंदर अगर हम दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, देखिए जो दुर्गा माँ है वो काली माँ का स्वरूप माना जाता है और काली माँ कहीं ना कहीं हमारे हिंदू ग्रंथों में शनि भगवान की माता बताई गई है। तो अगर आप काली माता की उपासना करते हैं, दुर्गा माता की उपासना करते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, काली चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये करने से भी शनि भगवान ने बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। शनि की दशा के भी आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप शनि भगवान की दशा में करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इनमें से कोई भी आप उपाय करिएगा, लेकिन उसे नियमित तौर पर एटलीस्ट आप 1-2 महीना करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो बाहर जानी शुरू होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो जरूर इन रेमेडीज को करिएगा और आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। और अपना जो कॉम्बिनेशन है चार्ट का जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक हम भी आपको जरूर दे सकें। अपना जो आपका शनि की पोजीशन है उसको जरूर कुंडली के अंदर चेक करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे व्यू वीडियोज के ऊपर काफी ज्यादा
हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जाकर चेक करेंगे। देखो नमाज कुंडली का एक घंटे का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। और दीर्घायु योग के ऊपर एक वीडियो अभी लास्ट वीक बनाया था, वो बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जाकर जरूर चेक करिएगा। एस्ट्रोलॉजी और फूड, आहार और हमारा जो धन योग होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो भी जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कोई भी प्रश्न हो वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी प्रश्न या क्वेरी जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।